तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारे बैटल रॉयल का न्यू सीजन आ चुका है और आप सब लोग चाहते हो कि हम अभी से रैंक पुश करके मास्टर या ग्रैंड मास्टर जाएं। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि तीन तीन ऐसे रसर कॉम्बो लाया हूँ, जिसे लेके खेलने के बाद आप इजिली रस करके इजिली बंदे को मार के इजिली बोया लोगे और इजिली रैंक पुश भी करोगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है तत्सुया, जिससे आप इजीली सरप्राइज रश कर सकते हो। उसके बाद आपको लेना है जस्टिस बीबर। उसके बाद आपको लेना है सानी और एंटोनियो। तो चलिए इसे गेम में यूज करके देखते हैं। आप लोग यहाँ पे देखो, दरअसल मेरे ऊपर हिटलिस्ट लगा था, इसलिए मुझ पे तीन बंदे रश करने आते हैं। अब आप लोग देखो उन्हें मार के मैं कैसे भगाता हूँ, और एक बंदा आता है उसे मैं इजीली मार देता हूँ। तब तक सामने से उसका बंदा नीट करने लगता है, तो फिर क्या, तो सुई की मदद से उसे भी रस करके मैं इजीली मार देता हूँ। उन दोनों को मारने के बाद उनका लास्ट टीममेट बचा होता है, लेकिन मेरा नेट स्लो हो जाता है और वो गाड़ी लेके भाग जाता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो, सामने वाले घर में बंदा होता है जिसे मैं तो सुई की मदद से इजीली मार देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बात करते हैं हमारे नंबर टू कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के, जिसमें आपको हुकोंग के साथ जेवी सलोना और एंटोनियो को लेना है। तो चलिए इसे गेम में यूज करके देखते हैं। जब भी आप हुकोंग बनोगे तो आपका फुस स्टेप नहीं आएगा, जिससे आप साइलेंसरी रस कर सकते हो। लोना की मदद से आपको रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड दोनों मिलेगा, और एंटोनियो का सिल्क पॉइंट आपको बहुत मदद करेगा। आप सब इस क्लिप से समझो। आप लोग यहाँ पे देखो, सामने वाले बंदे के पास ट्रोगन होता है, वो पूरा ट्रोगन भर देता है, लेकिन मेरा एचपी देखो 48 का एचपी है। अगर शील्ड पॉइंट ना होता तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो बात करते हैं हमारे लास्ट कॉम्बो की, नंबर थ्री कॉम्बिनेशन की। इसमें आपको ओरियो के साथ मिगुल, कायरुस और दशा लेना है। तो चलिए इसे यूज करके देखते हैं। सामने वाले घर में एक एनमी होता है, मैं जैसे ही उसे नॉक करता हूँ उसका टीममेट ट्रोगन लेके आ जाता है, तो मैं ग्लू लगा के मेडी मार के फटाक से रस करके उन दोनों को मार देता हूँ। इन्हें मारने के बाद आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे देखो, नीचे मेरा बंदा होता है उसे नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद दशा एक्टिव हो जाता है, और आपको भी पता है अगर एक बार दशा एक्टिव हो गई तो क्या होता है। इतना देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा इस कैरेक्टर को कैसे यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।